वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज रेणु खैरा जानी टुडेज फॉर एनिमल्स वेलकम स्टूडेंट्स चैप्टर सेवन शोइंग कंसर्न फॉर एनिमल्स स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स तरह तरह की हैं यानी कि उनको किस तरीके से वो लोग परेशान करते हैं अपनी नीड्स के लिए अपनी वांट्स के लिए किस तरीके से एनिमल्स को वो हर्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज कंसिडर्ड डेमसेल्स टू बी द सुपीरियर टू सुपीरियर ऑल अदर एनिमल्स सिंस एजेस दे हैव ट्राई टू शो दिस बाय हंटिंग पावरफुल एनिमल्स एंड डिस्प्लेइंग द हेड्स एंड स्किन्स एज ट्रॉफी स्टूडेंट हमेशा ही क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो इंसान होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा ही आ, सोचते हैं कि वी आर वेरी वी आर वेरी सुपीरियर हम बहुत ताकतवर हैं यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ताकतवर है जानवरों से ये जो सोच है यानी कि ये जो उनकी मैंटिलिटी है वो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है वो हमेशा एनिमल्स को हंट करके उनको मार करके ये दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा सुपीरियर हैं और उनके एनिमल्स के हैड्स को और उनकी स्किन को वो अपने घर में एज अ ट्रॉफी, एज अ ट्रॉफी लगाते हैं हंटिंग ऑफ एनिमल्स सिंस प्री हिस्टोरिकल टाइम्स इज डिप्लिके डिप्लिकेड इन द फॉर्म ऑफ केव केव पेंटिंग्स इन द केव्स ऑफ भीम बेत का भोपाल इन मध्य प्रदेश स्टूडेंट जानवरों को मारना उनका शिकार करना ये अभी की बात नहीं है ये तब की बात है जब प्री हिस्टोरिकल टाइम्स यानी कि तब उस प्रिमिटिव टाइम्स में इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था यानी कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं था तब से ही वो एनिमल्स को हंट करते हुए हट हंट करते हुए आ रहे हैं और और आप पता कैसे पता कर सकते हो कि वो एनिमल्स को कितने टाइम से मारते हुए आ रहे हैं अगर आप केव पेंटिंग्स की बात करो केव पेंटिंग्स क्या होता है कि जो गि गुफाएँ होती हैं गुफाओं के दीवारों पर उनके सीलिंग्स पर इस तरीके की इस तरीके की वहाँ पर पे, पेंटिंग शो हो रही है ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से पहले के लोग अभी भी ये लोग हंटिंग करते पहले के लोग किस तरीके से जानवरों को मारते थे और किस तरीके से उनके जो हेड्स हैं उनको डिस्प्ले यानि कि दिखाते थे ठीक है यानि कि भीम बेत का जो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में है वहाँ की जो गुफाएं हैं गुफाओं में जो वहाँ की जो गुफाओं में जो केव पेंटिंग्स बनी हुई हैं उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता था अब क्या रीज़न हो सकता है उनको मारने का एक रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने उनको मारा एनिमल्स को या तो एक और रीज़न ये हो सकता है कि अपने फ़न के लिए यानी कि उनको हंटिंग करना फ़न लगता है मज़ा आता है उनको हंटिंग करने में सम ऑफ़ दिस केव पेंटिंग शो दैट पीपल एट द टाइम हैड इवन डोमेस्टिकेटेड सम ऑफ़ द एनिमल्स यानी कि कुछ पेंटिंग्स केव पेंटिंग्स आपको ये दिखाएंगी कि, कि किस तरीके से वहाँ के वहाँ पे लोगों ने उस समय एनिमल्स को पाला हुआ था स्टूडेंट्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एनिमल्स का मतलब ये होता है कि आपको पता है इंसान अपने फ़ायदे के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए एनिमल्स को पालते हैं यानी कि वो उनके पालतू जानवर होते हैं वो उनको पालते हैं वो उनको खिलाते पिलाते फिर उनसे वो काम निकलवाते हैं और उनकी उनकी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिक डोमेस्टिकेटेड करते हैं ह्यूमन बींग्स फॉर दे ओन यूज़ यानी कि अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए अपने अपने फ़ायदे के लिए जैसे कि काउज बफेलोज गॉड शेप हैंड्स डक्स अगर हम इन सब की बात करें तो हम इनको पालते हैं किस लिए मिल्क के लिए वूल के लिए एग्स के लिए और मीट के लिए ठीक है एनिमल्स लाइक हॉर्सेस अगर हम बात करें कुछ और एनिमल्स की जैसे कि हॉर्सेस डोंकीज़ कैमल्स एंड याक्स हम इन सबको क्यों पालते हैं हम इनको क्यों अपने घर पे पालते हैं अपने घर नहीं यू कैन से दैट कि हम क्यों इनको आ, क्यों इनकी देख रेख करते हैं ताकि हम इनसे काम निकलवा सके अब ये ये एनिमल्स क्या करते हैं आ, इन एनिमल्स को यूज़ किया जाता है राइड करने के लिए और हैवी हैवी जो लोड्स होते हैं उनको उठाने के लिए और उसके बाद जो जैसे इनका जो डंग होता है यानी कि उनको जो इनका तो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो ड्राई करके फिर एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं और जब ये जानवर मर भी जाते हैं ना तब भी ये इंसान के लिए इंसान के लिए यूज़फुल होते हैं जैसे कि वो उनका यूज़ करते हैं इनके मरने के बाद जैसे कि उनकी स्किन्स को निकाल देना फिर उसकी उनकी स्किन से लेदर्स यूज़ करते हैं शूज़ बेल्ट कोट्स और टेंट्स बनाने के लिए जैसे कि आपको इन पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एनिमल्स की स्किन को वो लोग यूज़ करते हैं एज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स डॉग्स एंड कैट्स आर बाय मैनी पीपल एज देयर पैट्स जैसे कि आपको पता है बिल्ली और लोग कुत्ते ये दो पैट्स ऐसे हैं जो लोग अपने घर में पालना पसंद करते हैं डॉग आपको हमेशा हमेशा वो वफ़ादारी कहलाए जाता है बिकॉज वो कभी भी अपने मालिक को धोखा नहीं देता है हंटर डॉग्स आर कैप्ड इन द फार्म्स एंड हाउसेस फॉर सिक्योरिटी यानी कि लोग अपने घर की सिक्योरिटी के लिए भी कुत्तों को डॉग्स को मतलब पालते हैं और उनको डोमेस्टिकेटेड करते हैं यानी कि उनको पालते हैं दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अदर डोमेस्टिकल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक गॉड्स एंड शिप फ्रॉम वोल्ड्स एंड अदर प्रीटेटर्स यानी कि इसके साथ साथ वो दूसरे भी जानवरों को जैसे कि गॉड और शिप को भी आ, पालते हैं ताकि वो बाक़ी अदर एनिमल्स से वो प्रोटेक्ट कर सके उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर टेकन केयर बाय ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो पालतू जानवर होते हैं वो कौन केयर करता है उनकी ह्यूमन बींग्स करते हैं क्योंकि वो उनको फूड देते हैं शेल्टर देते हैं और उनको डिसीज़ से यानी कि, कि कोई दूसरा कोई शिकार या कोई दूसरा उनको नुकसान ना पहुँचाए और बीमारी से उनको प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए डोमेस्टिकल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है कुछ ऐसे और भी अदर अदर चीज़ें हैं जो हमको एनिमल्स से मिलती हैं इंसेक्ट से मिलती है जैसे कि हनी एंड बी वैक्स फ्राम द बीज एंड लाक फ्राम द लाक इंसेक्ट्स बीज आर कल्चर्ड बाई मैनी पीपल इन बॉक्सेस दिस इज कॉल्ड बी कल्चर और कल्चर, यानी कि किस तरीके से छत्ते में से शहद निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को हम कल्चर बोलते हैं किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द यूजफुल प्रोडक्ट्स यानी कि इंसान एनिमल्स को मारता है मार करके उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकालता है जिन्हें वो मार्केट में बेचता है और पैसे कमाता है ह्यूमन बींग्स हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव करते हैं एनिमल्स एनिमल्स को एनिमल्स के साथ वो उनको मार करके उसमें से एनिमल प्रोडक्ट्स निकालते हैं जितने भी कॉस्टली वुलन्स और शॉल्स जो होती हैं वो वो कैसे बनती हैं इनोसेंट एनिमल्स को मार करके बनती है तिबेतियन एंटीलोप्स और चीरू आर किल्ड इन द मोस्ट ऑफ द क्रूअल वे टू ऑप्टेन फर विच इज़ यूज टू मेक कॉस्टली सेंतुश शॉल्स यानी कि जो आपके तिबेतियन मृग यानी कि जो डियर्स होते हैं जिन्हें हम चिरू भी बोलते हैं बे, उनको इतनी बुरी तरीके से उनको मारा जाता है क्यों मारा जाता है स्टूडेंट्स ताकि उनकी बॉडी में जो फर है उसको निकाला जाए और फिर उस फर को निकालने के बाद क्या होता है उनकी कॉस्टली कॉस्टली शॉल्स बनती है जिन्हें हम बोलते हैं शैतुस शैतुस शॉल्स उसके बाद अंगोरा रैबिट्स अंगूरा रैबिट्स यानी कि जो अंगोरा खरगोश होते हैं उनको भी मारा जाता है अंगोरा वूल निकालने के लिए कैश्मीरी इज़ द हेयर दैट इज़ श्योर फ्रॉम कैश्मीरी गॉड्स कैश्मीरी जो आपके हेयर है वो कहाँ से आए हैं कश्मीरी बकरियों से आए हैं यानी कि इन बकरियों को इंजर्ड किया जाता है मारा जाता है इस प्रोसेस में ताकि उनकी बॉडी में से वो हेयर्स निकाल सकें अदर एनिमल्स यानी कि बाकी एनिमल्स को भी इसी तरीके से वो किल करते हैं बहुत बुरी तरीके से उनको घायल किया जाता है ताकि वो अपने अपना जो उनका उनकी जो ग्रीड है यानी कि उनकी जो लालच है उसके लिए उन एनिमल्स को मारा जाता है एलिफेंट्स को क्यों ये लोग मारते हैं ये क्या एलिफेंट्स का क्या करते हैं वो लोग एलिफेंट्स के जो तीत होते हैं जिन्हें हम आइवरी बोलते हैं उनको निकाला जाता है राइनोस के जो सींग होते हैं इसलिए उनको किल किया जाता है लेपत्स और आ, पाइथन इनकी स्किन के लिए उनको इंजर्ड और किल किया जाता है पोचिंग ऑफ एनिमल्स पोचिंग का मतलब क्या होता है किसी भी वाइल्ड एनिमल को इलीगली मारना लिए मारना उसके बॉडी पार्ट्स के लिए उस जानवर को इलीगली मारने को हम पोचिंग बोलते हैं स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि हंटिंग करना कानूनी अपराध है उसके बाद भी लोग एनिमल्स को हंट करते हैं बहुत सारे जो हमारे एनिमल सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स बने हुए हैं हमारी कंट्री में उनका एक ही काम होता है कि वो हमारे एनिमल सेंचुरी को बचा सके हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उनको बचा सके ताकि अगर एनिमल्स ही नहीं रहेंगे अगर हमारे पार्क्स ही नहीं रहेंगे फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो क्या होगा बट देर आर सम पीपल हु इ लिगली किल एनिमल्स एंड सेल देयर बॉडी पार्ट्स लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो जानवरों को बहुत ही बेद बहुत ही बेकार तरीके से उनको मारते हैं और क्यों मारते हैं ताकि वो उनके बॉडी पार्ट्स को मार्केट में सेल कर सके क्योंकि उनके उनके बॉडी पार्ट्स से जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है द एनिमल्स दैट आर पोस्ट मोस्ट ऑफन आर यानी कि कौन कौन से एनिमल्स को बेसिकली वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं फर्स्ट है आपका एलिफेंट्स एलिफेंट्स को पोच क्यों करते हैं ताकि उनके तीत के लिए उनकी आइवरी टक्स के लिए आइवरी कैसे यूज़ करते हैं वो लोग उससे वो डेकोरेशन के पीसेस बनाते हैं एलिफेंट्स को क्या करते हैं पहले वो बड़े से गड्ढे के अंदर एलिफेंट्स को गिरा देते हैं और उसके बाद बहुत ही फोर्सफुली उनके जो टस टक्स है उनको निकाल दिया जाता है उसके बाद उनको उन गड्ढों के अंदर ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो मर जाएं। टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स को लोग मारते हैं या तो शूटिंग करने के हिसाब से मारते हैं और जो उनकी जो बोन्स होती हैं टाइगर्स की उनके अंदर बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू होती है यानी कि बहुत अच्छी वो होती है उनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू यानी कि एज़ अ मेडिसिन वो यूज़ करते हैं पाउडर पाउडर टाइगर बोन्स यानी कि जो होता है वो पता क्यों दिया जाता है ताकि आपके मसल की जो स्ट्रैचिंग स्ट्रेंथ है सॉरी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए इसलिए वो उनकी बोन्स का इस तरीके से यूज़ करते हैं और उनकी स्किन से वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स बैग्स एंड कोट्स राइनो क्या करते हैं राइनो को वो इसलिए मारते हैं एलिफेंट की तरह ही उनको मारा जाता है उनको उनकी जो सींग है उनको वहाँ से रिमूव करने करते हैं वो उसके बाद उनको गड्ढों में छोड़ दिया जाता है ताकि वो मर जाए ये कहा जाता है कि जो उनके सींग होते हैं उसके अंदर बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पुरानी दवाइयों में भी उनके सींग का यानी कि उनके सींग के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन जो, जो पुरानी दवाइयों में भी यूज़ होती थी और होती हैं तिबो तिब्बतियन एंटीलोप्स की अगर हम बात करें तो इसके इसको हम क्यों मारते हैं ताकि हम उनकी बॉडी में से जो बॉडी में जो फर है उसको हटा सकें और बेसिकली क्या बनता है इनसे लाइट वूल यानी कि जो सेन्तुश नाम की जो वूल आती है उसकी वो बनती है इनके फर से यूजिंग एनिमल्स फॉर लाइवलीहुड स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी यू uh, नो you know, अपनी लाइफ के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उसमें से दो चार पैसे कमा सकें ठीक है जैसे कि एनिमल्स आपके हॉर्सेज बुलक्स कैमल्स इन सब को हम बैलगाड़ी के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है इनकी जो आ, आ, जो कार्ट होता है वो इतना ज़्यादा हैवी और ओवरलोडेड हो जाता है कि इन जानवरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस कार्ड को इतने सारे सामान को लोड करने में यानी कि उनको सोचो आप कितनी परेशानी होती होगी फोर्सिंग एनिमल्स टू पुल दिस कार्ड्स इज़ क्रूल यानी कि किस तरीके से इन जानवरों को फोर्स करना इनको इनको इतना सारा सामान लादना इनके ऊपर ये वाकई में बहुत गलत बात है दे आर मेड टू रन किस तरीके से एनिम काउ कार्ट्स सॉरी बुलक कार्ड्स हॉर्स कार्ट्स और कैमल कार्ट्स को ये लोग यूज़ करते हैं इतना ज़्यादा उनके ऊपर सामान लोड करते हैं कि उनको काफ़ी बहुत दिक्कत होती है उस कार्ट को मूव करने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है रोड पे कि उन एनिमल्स को वहाँ पे जो स्मोक एमिट होता है गाड़ियों से वो भी उनको ब्रीथ करना पड़ता है और इतने हार्ड साउंड्स हॉर्न्स के और लोग चिल्ला रहे हैं उनके साउंड्स भी उनको झेलने पड़ते हैं कुछ एलिफेंट जैसे कि अगर हम बात करें एलिफेंट्स की हॉर्सेस की टाइगर की बीर की इन सब को फोर्सफुली वहाँ परफॉर्म सर्कस में परफॉर्म करवा करते हैं क्यों करते हैं वो लोग परफॉर्म स्टूडेंट्स ताकि वो ह्यूमन बींग्स का एंटरटेनमेंट कर सके वहाँ पर उनको इतनी बुरी तरीके से ट्रेन किया जाता है यानी कि उनको अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उनको रॉड से मारा जाता है उनको बहुत बुरी तरीके से मार उनको लगाते हैं वैन दीज एनिमल्स आर रिलेड टू परफॉर्म ड्यूरिंग अ शो दे आर वेब यानी कि जब भी वो सपोज वो एनिमल्स परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं वो नहीं चाहते वो परफॉर्म करना तो उनको बहुत बुरी तरीके से वो लोग मारते हैं ताकि वो परफॉर्म करें इस तरीके से क्या होता है एनिमल्स को लोनलीनेस अकेलापन और वो फ्रस्टेटेड हो जाते हैं उनको बहुत फ्रस्टेशन हो जाता है क्योंकि एक अगर आप किसी अगर आपको भी कोई इस तरीके से कोई पिंजरे में बंद कर देगा महीनों महीनों भर के लिए तो आप कैसे हो जाओगे इसी तरीके से एनिमल्स को भी वो लॉक कर देते हैं महीनों महीनों के लिए इस तरीके के बिहेवियर से क्या होता है कि एनिमल्स की जल्दी ही मौत हो जाती है दे आर आर नंबर ऑफ मदारीज और द स्ट्रीट एंटरटेनर्स हु ओ ओन मंकीज़ एंड बियर दे मेक दिस एनिमल डांस इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड देन कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एज रिवार्ड फॉर एंटरटेनमेंट आप लोगों ने बच्चों मदारियों को देखा होगा और कुछ स्ट्रीट एंटरटेनर्स जो आपके सड़कों पर घूमते रहते हैं तो उनका काम पता क्या होता है कि वो मंकीज़ और बियर्स को आ, ले आते हैं उसके बाद वो उन लोगों से डांस उन एनिमल से डांस करवाते हैं सबके सामने और फिर वो लोगों से पैसे लेते हैं क्योंकि उन्होंने उनका एंटरटेनमेंट करवाया है यानी कि वो एज़ अ रिवॉर्ड लेते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट क्या आपने कभी सोचा है कि ये मदारीस किस तरीके से इनको ट्रेन करते हैं किस तरीके से इनसे रोड शोज करवाते हैं दे स्नैच द बेबीज फ्रॉम दे मदर्स समटाइम्स दे किल द मदर्स टू गेट द बेबीज दिस स्मॉल एनिमल्स आर देन ट्रेन फॉर द शोज इन केस ऑफ बियर्स दे पुल आउट द नेल्स एंड टीथ ऑफ द बेबी बियर्स सो दैट दे बिकम हार्मलेस दे इंसर्ट हॉट आयरन नीडल इन द बियर्स नोज एंड पुल अ रोप थ्रू इट सो दैट दे कैन बी ड्रैक्ड बाय इट ऑल दिस इज़ डन विदाउट आ पेन किलर स्टूडेंट क्या होता है कि ये कैसे काम करते हैं सबसे पहले ये इनकी जो मदर्स होती हैं उनसे उनका बेबी को वो छीन लेते हैं उसके बाद उनकी जो मदर होती हैं उनको मार देते हैं और उनका बच्चा उनसे लिया जाता है फिर इन छोटे छोटे एनिमल्स को वो ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से तुमको परफॉर्म करना है किस तरीके से तुमको शो करना है और बियर के केस में क्या होता है स्टूडेंट बियर के केस में उसके नाखून और दांत को ये निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं ताकि वो बियर उनको हार्म ना पहुंचा सके वो हार्मलेस हो जाए ठीक है उसके बाद वो एक हॉट आयरन निडल को बियर की नोस पर लगा लेते हैं और फिर उनको रस्सी के साथ उनको ऐसे घसीटते हैं और ये सब पता वो करते हैं विदाउट अ पेन किलर तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से उनके साथ ये होता है और कितना पेन इनको झेलना पड़ता है इवन मंकीज़ आर मेड टू सफ़र अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑफ मदारीज। इवन मंकीज़ को भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है मदारीज की वजह से उनको वो मारते हैं उनको वो भूखा रखते हैं जब तक वो परफॉर्म नहीं करते टू स्टॉप क्रैलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एट देंड्स ऑफ मदारी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविटेड द यूज़ ऑफ बियर्स मंकीज एंड टाइगर्स पेंथर्स एंड लॉयस फॉर स्ट्रीट परफॉर्मेंस अब जानवरों के प्रति जो इनकी इतनी नाइंसाफ़ी चल रही है जो इतना ये गंदा बिहेवियर करते हैं एनिमल्स के साथ इसलिए गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने बियर्स पे मंकीस और टाइगर्स पेंथर्स और लॉयंस पे उन लोगों ने बैन कर दिया है कि आप इनको स्ट्रीट परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते इनसे स्नैक चार्मिंग इज अनदर एक्टिविटी दैट एक्सप्लोइ्स एनिमल्स टू मेक अ लिविंग जैसे कि आपने देखे होंगे सपेरे जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अपनी धुन पे वो अपनी जो साउंड वो क्रिएट करते हैं बीन जो बजाते हैं उसकी आवाज़ से वो स्नेक को डांस करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है द साइट ऑफ कोबरा और द विप और अ वाइपर डांसिंग द ट्यून ऑफ द स्नैक चामर्स बीन यानी कि जो कोबरा होता है जो सांप होता है वो किसकी ट्यून पे डांस करता है जो उनका सपेरा होता है और लोग इसको इंजॉय करते लोग सोचते हैं कि ये सांप डांस कर रहा है द स्नेक्स फॉलो द मूवमेंट ऑफ द बीन यानी कि वो करता क्या है सांप जो बीन का जो मूवमेंट है उसको आ, उसको फॉलो करता है विद द हेड बाय कैचिंग यानी कि अपने सर से उस बीन के मूवमेंट को कैच करने की फॉलो करने की वो कोशिश करता है और उसकी वाइब्रेशन से वो डांस ट्यून को जो वो बीन बजाता है उसको फॉलो करता है द मूमेंट सीम्स लाइक डांस टू अस यानी कि जब वो अपना सर हिलाता है उस ट्यून को फॉलो करता है तो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहा है आपको क्या लगता है क्या स्नैक्स बहुत हैप्पी हैं अपने स्नैक चार्मर से बेसिकली नहीं होता ऐसा क्योंकि जो स्नैक चार्मर्स होता है उनके जो फ़न होते हैं उसको हटा देता है और उनका जो माउथ होता है उसको स्टिच कर देता है ताकि वो उनको काट ना सके उसके बाद उन्हें वो छोटी सी बास्केट में रखा रहता है और जब वो एक ही बास्केट में ही रहेंगे तो वो फ्रीली कैसे मूव कर पाएंगे वो एबल ही नहीं हो पाते कि वो फ्रीली मूव कर सके और इस वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द जो स्नैक्स होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनकी केयर नहीं हो पाती है और उनको फ्रीडम नहीं मिल पाता है मूव करने के लिए अ नंबर ऑफ़ एनिमल्स आर यूज़ इन फिल्मस यानी कि आपने बहुत सारी फिल्मस में भी देखा होगा पहले की फिल्म और आजकल की फिल्म में भी एनिमल्स दिखाते हैं यानी कि जब भी आप टेलीविज़न में देखते हो तो एक चीज़ लिखी लिखी हुई आती है कि टेलीवि कि एनिमल्स आर एनिमल्स को परेशान नहीं करा गया है यानी कि वो आपको एक मैसेज देते हैं कि अगर हम शूटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इससे हमें किस हमें किसी भी जानवर को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है तो होता पता है क्या है कि बिहाइंड द सीन तो ऐसा लगता है कि आप किसी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया लेकिन इसके पीछे यानी कि आ, स्क्रीन में तो ऐसा नहीं लगता लेकिन बिहाइंड द सीन मतलब सी, टीवी के पीछे सीन के पीछे क्या होता है कि इनको आ, सीन के दौरान क्या होता है स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनस चलती हैं इतनी गरम लाइट्स दोबारा से रिटेक्स लेना फिर उनको ट्रेनर उनको मारते हैं तो किस तरीके से उन एनिमल्स के साथ उनको कितनी डिफ़िकल्टीज होती है ठीक है और कभी कभी तो पता है क्या होता है कि उनको ड्रग्स दिए जाते हैं यानी कि उनको एक नशीला पदार्थ या नशीली चीज़ दी जाती है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सके क्योंकि अगर उनको नहीं देंगे अगर वो उनको नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे इसलिए उनको ड्रग्स देते हैं जो बहुत ही गलत बात है और आ, कभी कभी क्या होता है कि उनके जो दांत और जो उनके ज, आ, आपके चौज होते हैं उनको उनके जॉस को स्टिच कर दिया जाता है ताकि वो उनको कोई नुकसान ही ना पहुंचा सकें ठीक है हाउ कैन वी हेल्प इन स्टॉप क्यूर्लिटी टूवर्ड्स एनिमल्स अब आप क्या करेंगे जिससे आप एनिमल्स को बचा सके सबसे पहले आप किस तरीके से एनिमल्स की मदद कर सकते हैं मतलब एनिमल्स के ऊपर जो इतना ये लोग गंदा बिहेव करते हैं उनको इतना परेशान करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए सबसे पहला ये है स्टूडेंट्स कि आपको जो कपड़े जो शूज़ आर्टिकल्स जो एनिमल्स से बनती हैं उसको ख़रीदना नहीं चाहिए आपको कमिटमेंट करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ कि आज के बाद आप किसी भी एनिमल की जॉय राइड्स यानी कि आप उसके ऊपर बैठेंगे नहीं आप हॉर्सेस पे नहीं बैठेंगे आप एलिफेंट्स पे नहीं बैठेंगे अगर स्टूडेंट्स अगर हम बैठेंगे ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे फिर वो विचारों को इतना आ, चलना नहीं पड़ेगा हमें एंटरटेन नहीं करना पड़ेगा ठीक है स्टॉप बाइंग एनी एनिमल्स फ्रॉम अ पेट मार्केट यानी कि आप पेट मार्केट से कोई भी जानवर ना ख़रीदें उनको वहीं पे फ्रीली रहने दीजिए बॉयकआउट मूवीज़ एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट विच फीचर्स लाइव एनिमल्स टू आक्स कंपनीज विच यूज एनिमल्स इन द एडवर्टाइजिंग टू स्विच टू इन एनिमेट प्रॉप्स यानी कि आपको पता है क्या करना है उन मूवीज़ को बॉयकआउट करना है यानी कि उसको बैन करना है टेलीविजन प्रोग्राम्स को बैन करना है जो ये दिखाते हैं कि एनिमल्स को किस तरीके से वो यूज़ करते हैं उनकी एडवर्टाइज़मेंट कैसे करते हैं यानी कि हमको एनिमल्स का यूज़ होने से इन सब चीज़ों से चीज़ों से यूज़ करने से हमें बचाना चाहिए हमें अपने लोकल जो हमारा न्यूज़पेपर आता है जैसे कि हमारा अमर उजाला आता है दैनिक जागरण आता है उनके एडिटर्स को एक लेटर लिखना चाहिए कि हम एनिमल्स को आप एंटरटेन करने की किसी भी एक्टिविटी में एंटरटेन करने को से बंद करिए और आप एनिमल्स पे जुर्म करना बंद करिए एक पैटा इट्स पी ई टी पैटा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टूडेंट्स वो क्या करती है वो एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है मतलब एनिमल्स को किस तरीके से बचाया जाए उनकी सेवा कैसे की जाए उनका ध्यान कैसे रखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी एनिमल्स के लिए काम करती है तो हमें ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए ताकि हम भी अपनी तरफ से कुछ एनिमल्स की मदद कर सकें ओके स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ ओवर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो